कितनी एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर ईद की शॉपिंग की, ईद की तैयारियों की, कर भी ली कभी की कर ली साल में दो बार ईद आती है, अब हम उसको भी देखें महंगाई, कभी भी बुरा वक्त मेहमान टपक पड़े ना मरमरा भी सकता है तो उधर भी जाना पड़ता है, जब जानवर आता है आप देखती है कमरे को ताला लगा देते हैं वो तो हमारे ऊपर छलांगे मारता था। लड़कों की क्या तैयारी होती है, लड़कों ने तो बस गोश्त ही बांटना होता है, हम गोश्त बांटने जाते हैं तो फिर वो समझ लेंगे एक किस्म के सही बन जाए, जब पेट्रोल डलवाने लगो तब पता लगता है कि वाकई महंगाई हो गई। ईद आ रही है, क्या ख्याल है महंगाई ने कितना इफेक्ट, हो महंगाई की बात तो ना करें, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमने तो आपको बताया डॉलर्स में अर्न करना है यूट्यूबर्स ने, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी की ईद आने वाली, ईद उल अज़हा आने वाली है, और जनाब यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर के आखिर कितनी एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर ईद की शॉपिंग की, ईद की तैयारियों की, और क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर आए लोग, और कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, क्या कोई इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बड़ी ईद और छोटी ईद में क्या फ़र्क है, इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पर आए लोगों से, और जानेंगे उनके जवाब, और ये भी जानेंगे कि आखिर उनके अंदर ईद की कितनी एक्साइटमेंट है, सबको जानेंगे। आज की मेरी वीडियो में हमारे साथ रहिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ जी, तो मुझे बताएं कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप, आपको किस चीज़ का है इंतज़ार, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस, तमाम तर अपडेट सबसे पहले सबसे ज़्यादा आप ही को मिले। हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, ईद मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये बताएं शॉपिंग वॉपिंग कैसी चल रही है, कर भी ली कभी की कर ली बड़ी ईद की शॉपिंग, हाँ तो कर ली ना, आपकी महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों फर्क क्यों पड़ेगा, ये तो ईद गुजारनी तो है ना, अब कहाँ है ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी हमें क्यों नहीं नजर आए, यार साल में दो बार ईद आती है ठीक है, अब हम उसको भी देखें महंगाई तो फिर गलत बात है ना, अब बात खुशियों के दिन रोजाना थोड़ी ना मिलते, और ईद पे तैयार होकर सुबह सुबह बैठना, आप वीडियोस वगैरह पिक्चर्स दोस्तों के साथ भी ये टाइम साल में हम लोग स्पेंड करते हैं कि वो मज़ा नहीं आता तो ईद पे आता है। बिल्कुल सही है, डन हो गया। मुझे ये बताओ कि क्या क्या शॉपिंग कर ली है, क्या क्या रह गया है, और कितने कपड़े लिए हैं, कितने जूते लिए हैं? 6 सूट तो अनस्टिच पड़े हुए हैं, 3 स्टिच ले लिए हैं, और एक कल ही ऑर्डर पर आया है। पीपल ओवरलोड, 6 सूट मतलब 3 दिन की होती है 6 सूट? नहीं एक्चुअली हमारे ना छोटी के कपड़े पड़े हुए थे, वो तो पहने नहीं थे, पहने थे ना, वो एक्स्ट्रा भी हम लोग सिलवा लेते, 2-3 को कुछ पता नहीं होता, कभी भी बुरा वक्त मेहमान टपक पड़े ना तो इसके तो वो तो खाली ने सिए नहीं थे, उन्होंने अब सी कर भेजे। कोई मरमरा भी सकता तो उधर भी जाना पड़ता है, वो पॉइंट की बात है, समझ सकती हैं, शुक्र अदा करते थे नया सूट पहन के जाएंगे ना, अच्छा हुआ यार जान छूटे, चलो हमारे पास बैकअप प्लान था, हम अच्छे तो लगेंगे नया नया सूट पहन, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, वो तो खुशी एक अलग मुकाम होता है यार, शुक्र है रिश्तेदार गए नहीं तो सर पे समझ आया हो गया। मुझे ये बताओ कि फहीन ईद आ रही है, बकरा ईद है, घर में जानवर आ गया है या अभी आना है, और घर में क्या हालात चल रहे हैं जानवर को? हमारे घर जानवर सिर्फ एक दिन पहले आता है, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत सख्त नापसंद करती हैं जानवरों को, वो संभालना और फिर वो स्मेल हुआ, हाँ वो फिर कहती हैं कि बाहर ही ले जाओ इसको, सारे सोचा क्या गया है जानवर के बारे में। अच्छा जब जानवर आता है एक दिन पहले तो क्या करती हैं, आपका क्या ट्रीटमेंट होता है जब जानवर आता है, आप देखती हैं मतलब कमरे को ताला लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमारे घर एक बार आया था ऐसे ही बकरा, वो तो हमारे ऊपर छलांगे मारता था, हम लोग इतना डर गए, बस पापा से पापा इसको ले जाओ बीच से, बस एक दिन पहले लेकर आना है, फिर आप लोग जाना, आप लोगों का काम जाना, क्योंकि फिर जब मतलब कुर्बानी वगैरह होती है उसकी स्मेल भी होती है, क्योंकि गोश्त खाते भी नहीं है और देखते भी नहीं, घर वालों से कहते हैं बाहर बाहर करके सब कुछ बाहर बाहर करो। ऐसे सर आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं, मुझे ये बताएं ईद आ रही है कैसी तैयारी, ईद की तैयारी आपको पता है लड़कों की क्या तैयारी होती है, लड़कों ने तो बस गोश्त ही बांटना होता है। नहीं नहीं मुझे ये बताएं कि कसाई बनने का कितना प्लान है? कसाई बनने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन जब हम गोश्त बांटने जाते हैं तो फिर वो समझ लेंगे एक किस्म के कसाई बन जाए। बिल्कुल सही, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी शुरबानी का इंतजाम हो गया, बकरा बकरा ले लिया, क्या लिया? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं लिया, अभी गए थे हम मंडी, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, आग लगी हुई थी मंडी में, बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, सोने के थे बहुत, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सोने के थे, जहाँ पे एक बकरा मिल रहा है 1,00,000 रुपए का, वहाँ पे 2 बकरे मिल जाते थे इसमें, अब एक मिल रहा है 1,00,000 में जो अच्छा बकरा है। आप मुझे ये बताएं इस महंगाई में ईद कैसी हुई? ईद तो बहुत देखने में ऐसा ही लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं जो इस बारी कुर्बानी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मंडी चले जाएं आप उधर देखेंगे मंडी में जैसे पहले रश होता था उस तरह अब रश नहीं है। शॉपिंग वॉपिंग के क्या हालात है, फैमिली का क्या सीन है, फैमिली ने कितनी शॉपिंग कर ली है, जेब पे कितना वजन है?
अच्छा मेरी जेब पे तो कोई वजह नहीं है, फादर की जेब पे। सिंगल लोग सिंगल, अभी सिंगल है, अभी तो कोई मतलब कि ऐसा नहीं है, अभी खुद हम फादर से ही लेते हैं। तो मतलब कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं, खैर महंगाई अब भी। हाँ ये बात, हमारी जान पे क्या है ये बात। इसीलिए कहा जाता है कि ऐश सिर्फ बाप के पैसों पे होती है, अपने पैसों से सिर्फ गुजारा होता है। बिल्कुल, लेकिन जब पेट्रोल डलवाने लगो तब पता लगता है कि वाकई महंगाई हो गई। पेट्रोल ही आग लगाते हैं हम लोग। अच्छा मजे की बात है, 1000 रुपए का पेट्रोल मांगो ना ऐसे करके छिड़क देते। 1000 रुपए का पेट्रोल तो कुछ रहा ही नहीं ना। गोश्त को और बकरों को और जानवरों को तो आग लगी लगी है, कसाईयों को भी आग लगी। क्यों कसाईयों? जाहिर सी बात है, अब जब हर चीज़ महंगी हो रही है, कसाईयों ने भी अपने रेट बढ़ाने थे, उन्होंने भी कमाई करनी है, और उनका मतलब कि एक साल में ही ईद आती है और उन्होंने इसी से निकालना है, इसी से ही निकालना होता है, और फिर वो आवाम से निकालेंगे। निशान सर, ईद आ रही है, क्या ख्याल है महंगाई ने कितना इफेक्ट? हो महंगाई की बात तो ना करें, महंगाई 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 सुन सुन के ना, और देख देख के एक तो होल उठते हैं और पसीने भी निकल जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ईद आ नहीं रही, ईद आ गई है। हाँ। ठीक है, ईद आ गई, आ नहीं रही, आ गई, और महंगाई भी आ गई है। और आप भी लड़की हैं, लड़कियों के बारे में शुरू होता है विंडो शॉपिंग। हाँ। अब यही मंडियों में भी यही हो रहा है कि विंडो शॉपिंग हो रही है, उधर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, उधर जब जाते हैं इतने इतने जानवरों के रेट हैं के सिर्फ रेट देख के लोग वापस आ जाते हैं। मतलब हाथ लगाने के भी पैसे? बिल्कुल, हाथ लगाने के भी पैसे हैं, उसको देखने के पैसे हैं, और उस मंडी के बाहर खड़े होके ना वहाँ से जानवर की खुशबू सूंघने के भी पैसे हैं। ठीक है, ये हाल हो गया। और ये चीज़ है कि इतनी महंगाई हो गई है कि जो सुन्नत इब्राहिमी है ना उसको अदा करना मुश्किल हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप चले जाएं, अगर आपको एक अच्छा जानवर, हर किसी की कोशिश होती है कि हमारा जानवर सबसे खूबसूरत होता है, आप गली मोहल्ले में जाएंगे ना वहाँ पे जानवर होते हैं, बांधे होते हैं, तो सब एक दूसरे की एक तरह का ना कंपटीशन होता है कि हमारा जानवर इससे अच्छा दिखे। तो अगर आप एक अच्छा जानवर वहाँ से लेते हैं जो कि आपको 10 लाख से 20 लाख से ऊपर मिल रहा है, तो वो आम आदमी के लिए लेना मुश्किल है। गए थे शाहपुर कांजरा मंडी में, ठीक है, उधर जाके जिस जानवर के बारे में भी पूछा है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख। और ख्याल यही आ रहा था कि जाके जैसे आपने कहा ना कि मुर्गी ज़िबा कर ले, खुद को ज़िबा कर लें। ज़िबा तो करना क्या, हम हो चुके हैं ज़िबा। हुकूमत ने हमें हमारे गले पे छुरी रख के ना वो फेर दी और हम ज़िबा हो चुके हैं। okay. और सुन्नत इब्राहिमी बिल्कुल मुश्किल हो चुकी है। तो अगर ये महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही, ये जो हमारी सुन्नत है आहिस्ता आहिस्ता इससे भी दूर हो जाएंगे। जो साहिब हैसियत लोग हैं सिर्फ वही कुर्बानी कर सकेंगे, आम आदमी के लिए कुर्बानी करना मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम पूछूंगी सबसे पहले? शहबाज। आपका? हसन। और आपका सर? नुमान। नुमान सर, बिल्कुल ठीक है सर। ईद आने वाली है, ईद की आमद आमद है, बड़ी ईद है, कुर्बानी भी होगी। मुझे ये बताएं क्या तैयारियां की हैं, जानवर ले लिया नहीं लिया, क्या सोचे? जी बिल्कुल, अभी तो शॉपिंग के लिए निकले थे तो इंशाल्लाह। शॉपिंग नजर नहीं आ रही, कहाँ? अभी निकले हैं ना। अच्छा अभी निकले हैं, गवर्नमेंट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट ने टाइम एक्सटेंड कर दिया ना, तो आप रिलैक्स हो गए? रिलैक्स हो गया है। ओके, मुझे ये बताएं कि क्या शॉपिंग करने का इरादा है और आपकी शॉपिंग इफेक्ट हो रही है महंगाई की वजह से? डेफिनेटली जी, जहाँ पे पहले शॉपिंग होती थी कुल डुल के जहाँ पे तीनों दिन के कपड़े और सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती थी, अब बड़ी मुश्किल से सोच रहे हैं कि एक दिन का ही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। और जिस तरह जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जितने सिचुएशन डाउन हुई हुई है, तो अभी भी तो ये बकरा लेने जाना है, तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हालात क्या है। बकरा हलाल करना है या हमने खुद हलाल हो जाना है? नुमान सर मुझे ये बता दें कि आपने इस दफ़ा क्या सोचा है कुर्बानी के बारे में, बकरा लेना है मुर्गी लेनी है? मैडम इस दफ़ा ऊँट का प्रोग्राम है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, तो यूट्यूबर जौन से हैं, जैसे आपको खुद भी नॉलेज होगा, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं मीरा की, तो इसी तरह कोई इशू नहीं है, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, हमने तो आपको बताया डॉलर्स में अर्न करना है यूट्यूबर्स ने, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। शॉपिंग हो गई, कुर्बानी का जानवर हो गया, मुर्गी वैसे कोई देसी दूसरी पसंद आ गई तो ले लेंगे अपने खाने के लिए, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको यूट्यूबर इसलिए? बिल्कुल, लोकल करेंसी से मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने बताया। मुझे ये बताएं कि ईद की शॉपिंग का तो आपने बता दिया कि सिर्फ एक दिन, क्योंकि मुझे क्या बताएं, अच्छा शुरू ऐसे ही होता था कि ईद की शॉपिंग स्पेशली मैचिंग्स होती हैं, आपकी तो इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन लेडीज़ तो बहुत मैचिंग करती हैं, अच्छा इयररिंग्स और एवरीथिंग मैच मैच, घर के क्या हालात हैं, फैमिली कितनी शॉपिंग कर रही है, एक्साइटेड है या नहीं, और आपकी जेब कितनी हल्की होने वाली?
देखिए ऑब्वियसली जो ईद का ओकेजन है हर बंदा एक्साइटेड होता है, बट जो आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं, मैं इनकी तरह यूट्यूबर नहीं हूँ, एक जॉब करता हूँ, तो मैं भी जो आम पाकिस्तानी है उसकी तरह इम्पेक्टेड हूँ, तो सब लोग इम्पेक्ट हुए हैं, मैं भी वन ऑफ देम हूँ, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जैसे प्रीवियस ईयर्स में करते थे उस तरह से नहीं है, आपको कई चीज़ें फिर लिमिटाइज करनी पड़ती हैं। आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा ख्याल ये है कि हम सबसे पहले घर वालों के लिए सोचते हैं शायद, और घर वाले जिस तरह आपने बात की कि लड़कियाँ मैचिंग कंट्रास्ट वगैरह पे जाती हैं, हमें ये होता है कि यार खुद शॉपिंग करनी है, फिर उनको करानी है, और फिर एक घर भी रन करना है, एक लाइबिलिटी भी अपनी पूरी करनी है, तो हम भी पकाना है, डेफिनेटली पकाना है और ख़ुद करना भी है, तो हमें बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं बीइंग अ पर्सन, या कह लें कि एक ऑनर, घर का ऑनर, का ऑनर जो है, बिल्कुल डेफिनेटली हालत करनी पड़ती है घर की, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा की ईद में कोई डिफरेंस होने वाला है महंगाई की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से? वो तो आपको ईद वाले दिन मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मैं आपको अपडेट कर सकूँगा एग्जैक्टली कि क्या इफेक्ट पड़ा है लास्ट ईयर से और इस ईयर्स में, ठीक है ना? आप मुझे बताएं, आपका वो तो चले यूट्यूबर है, उनकी तो हम बात ही नहीं ना करते, वो तो बहुत अनकल है, डॉलर्स में बात करते हैं, नीचे बात ही नहीं करनी हमने, आप बताएं आपको क्या इफेक्ट? ऑब्वियसली देखें इम्पैक्ट तो आया है ना, अब ईद इस ईद पर जो अगर आप लास्ट ईयर की या उससे पिछले आगे 5 साल में कंपेयर करते हैं, तो उस तरह से लोग कुर्बानी के लिए भी अब जानवर लेने के लिए जा रहे हैं, तो प्राइसेस आर टू मच हायर अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो तो 100% एटलीस्ट रेज है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लास्ट ईयर तक अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तेआत दी थी, इस दफ़ा नहीं कर सकेंगे। मज़े की बात है, जानवर तो चलो महंगे हुए हैं, कसाई भी महंगे हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्लान यही है इस बार कसाई बनने का ही, तो हम तीनों ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है ना यूट्यूब यूट्यूब से यूट्यूब इनके यूट्यूब चैनल से वीडियो देखेंगे कि कैसे ऊँट को ज़िबा कर। यस, और एक इनकी वीडियो हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, वो भी देखेंगे हम। जी व्यूअर्स, जी हजूर, हमने लोगों से की बात इस बारे में कि आखिर इस दफ़ा की ईद की कितनी एक्साइटमेंट है, एक तो बड़ी ईद है, बड़ी ईद की एक्साइटमेंट भी थोड़ी 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 कम होती है क्योंकि ये ईद तो जी कुर्बानी की होती है, कुर्बानी करनी है, गोश्त बांटना है और फिर सो जाना है, थक खाट के फिर लेट जाना है, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट तो होती है भाई, बड़ी ईद है, सुन्नत इब्राहिमी है, हम लोग तो खुशी से मनाएंगे ही, लेकिन यहाँ के लोगों से हमने ये जाना कि आखिर महंगाई ने, कुर्बानी ने, कुर्बानी के जानवरों की महंगाई ने कितना इफेक्ट किया है यहाँ के लोगों को, ये जाना हमने यहाँ के लोगों से और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे डेली धरती विद मी, लेकिन जाने से पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी मज़ेदार सी वीडियोस, मज़ेदार सी अपडेट्स मिस कर चुके हैं, तो मज़ीद मिस ना हो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, ईद का मैसेज देना चाहते हैं, तो जी कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कमेंट बॉक्स में हमें अपने ओपिनियन से आगाह करें ताकि हम आपके ओपिनियन से आगाह रहें और आपके ओपिनियन को इज्जत भी दें। थैंक यू।